हेलो फ्रेंड्स, अपने इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर्स का यूज करना सीखेंगे। देखते हैं एक एग्जांपल। सबसे पहले हमने दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, stdio.h इन conio.h। मेन फंक्शन की स्टार्टिंग की है, वहां पर हमने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज की है। कैरेक्टर टाइप का एरे लिया str और उसमें एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी हेलो, सेमीकॉलन लगाया। एक पॉइंटर लिया है जो कि कैरेक्टर टाइप का है और वो मेमोरी में जहां पर भी ये स्ट्रिंग है हेलो उसके बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है पी। फिर हमने यहाँ पर जो है प्रिंट कर दिया है प्रिंट एफ, उस पॉइंटर को यानी कि उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया है थ्रू परसेंटाइल एस। अब हम यहाँ पर इसे एक बार कमेंट जो है हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग वन थी हेलो थी वो बाय हो जाए, यानी कि अब वो स्ट्रिंग वन जो बाय को रेफर करें। तो क्या देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। इसके लिए हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एरर दे रहा है, यानी कि ये वर्क नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अब जो स्ट्रिंग है जो पॉइंटर पी है वो हेलो को पॉइंट ना करके बाय को पॉइंट करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी पॉइंटर जो है वो इसे हम एज अ कमेंट शो कर देते हैं और यहां से ये कमेंट जो है वो हटा देते हैं। यानी कि अब पॉइंटर जो है वो हेलो के बेस पॉइंट जहां पे हेलो था उसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट कर रहा है, जहां पर बाय है। देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। इसे पॉइंट करने के लिए हमने प्रिंट एफ पी लिया। अब हम इसे रन एंड कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बाय शो कर रहा है। इस तरह से हम पॉइंटर्स को यूज करके जो है किसी भी स्ट्रिंग पर डायरेक्टली पॉइंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है हेलो को पॉइंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर देते हैं हेलो, यानी कि पी वहां पे जाए, वो पॉइंटर वहां पर शो हो जाए जहां पे हेलो प्रिंट है। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हेलो प्रिंट हो रहा है। इस तरह से हम स्ट्रिंग्स के साथ जो है पॉइंटर्स का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली एक स्ट्रिंग को मेमोरी में पॉइंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। Till then, bye.